जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे प्लांट्स जो आपको रोड साइड यानी कि डिवाइडर्स पे या सड़क के किनारे या सड़क के बीच में जो डिवाइडर्स होते हैं उन पर आपको लगे हुए मिल सकते हैं और बहुत अच्छे से उनमें फ्लावरिंग भी होती है। बहुत से शहरों में फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाए गए हैं रोड के किनारे, तो आप उन्हें भी ला करके लगा सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही पौधों के नाम बताऊंगी, पेड़ों के नाम बताऊंगी जो आप रोड साइड से कटिंग ला करके ग्रो कर सकते हैं, और उनसे ही रिलेटेड और भी जो प्लांट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ला करके कैसे लगा सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो उनकी केयर करने और फ्री में ये सारे प्लांट्स पाने के ऊपर ही है। तो कौन कौन से पौधों को आप फ्री में पा सकते हैं जो आपको रोड साइड पर कटिंग्स मिल जाएंगी और इजीली प्रोपगेट भी हो जाते हैं। रोड साइड पर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, आसानी से उनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो जो कटिंग्स आसानी से चल जाती है और जो पौधे आसानी से चल जाते हैं वही रोड साइड पर लगाए जाते हैं, ताकि कम पानी में, कम धूप में, तेज़ धूप में और बिना केयर के चलने वाले ये सारे प्लांट्स होते हैं। तो बहुत सारी स्पेशलिटी है इन प्लांट्स को लेकर के, बहुत ही विशेषता रखते हैं ये और बहुत ही कम केयर में चलने वाले पौधे हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है यहाँ पर नागचंपा का पौधा, पुडिका प्लुमेरिया प्लांट, जो कि एक चंपा की वैरायटी है, लेकिन ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। इसके पत्ते बिल्कुल अलग होते हैं, जो सांप का कोई फन होता है उस तरीके के इसके पत्ते होते हैं, और इसके जो फूल आते हैं वो चंपा के फूलों से भी बहुत सुंदर होते हैं और उनके जैसे ही फूल दिखाई देते हैं। बहुत ही कम पानी में चलने वाला ये पौधा है, कम पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और मरता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है ट्यूबर रोज़ा। ट्यूबर रोज़ा रूट से ग्रो होने वाला प्लांट है, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है, सीड्स से इसको ना लगाएं, बड़ी आसानी से ये इसकी रूट्स से ग्रो हो जाता है। रूट्स से ही अगर कोई पौधा उखाड़ के ला करके आप लगा देते हैं रोड साइड, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कम पानी भी अगर आप इसको देंगे तो भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और ये पौधा भी आपको रोड साइड पर मिल सकता है, यानी कि जो डिवाइडर्स वगैरह होते हैं उन पे। नेक्स्ट पौधा है जो आपने हमेशा देखा ही होगा और अधिकतर लगाया जाता है, वो है यहाँ पर बोगनवेलिया। बोगनवेलिया बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग गर्मियों में चल जाती है। इसकी कटिंग को आप बारिश में एक बार प्रोपोगेट करके देख लीजिए, अगर नहीं चलती है तो कोई बात नहीं, आप फरवरी मार्च में से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में और भी बहुत आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है, कम पानी में भी ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। अगर आप दो चार दिन इसमें पानी डालना भूल जाएं तो भी ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप टेरेस पर इसको बस लगाइए और भूल जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कम खाद में भी ये पौधे चल जाएंगे, बस धूप चाहिए इनको और अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, ईजिली फ्लावरिंग भी करते हैं, बहुत ही कम पानी में चलने वाले प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मधुकामिनी। मधुकामिनी भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, इसकी कटिंग ला करके लगाइए और फ्रेंड्स ये कटिंग से प्रोपगेट हो जाता है। अगर आपको नर्सरी से प्लांट लाना है तो आप ला सकते हैं, लेकिन ये भी रोड साइड पे आपको मिल जाएगा, अधिकतर मैंने देखा है प्लांट भी मिल जाता है और कटिंग से ला करके लगाइए। कम पानी भी इसको देंगे तो भी ये मरने का नाम नहीं लेगा, यानी कि आसानी से न मरने वाले ये प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है चंपा। चंपा का पौधा भी आप कटिंग ला करके लगाइए, आसानी से चल जाएगा। रोड साइड पर ये प्लांट्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कभी पानी डालने में देरी भी हो जाए तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाए और मरे ना। थोड़े अपने पत्ते पीले कर लेता है और झाड़ लेता है बारिशों में, लेकिन इसकी बारिशों में कटिंग लगाइए, अच्छे से चल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। आपने इस प्लांट को भी फ्री में आप प्रोपगेट कर सकते हैं, अभी बारिश में तो इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी बनते हैं, तो आप उन प्लांट्स को लगाइए अच्छी चौड़ी जगह में, कोई किसी शेलो पॉट में, और ये और ज़्यादा अपने बेबी प्लांट्स निकालता है। कम पानी में चलने वाला ये प्लांट है, धूप में भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, अगर धूप नहीं भी आती है तो। नेक्स्ट प्लांट है विंका। विंका भी इनके सीड्स इधर उधर गिरते रहते हैं तो प्लांट्स अननेसेसरी कहीं भी ग्रो हो जाता है, तो ये भी अगर आपको कहीं भी इधर उधर दिखे प्लांट आप ला करके ग्रो कर सकते हैं, कटिंग ग्रो कर सकते हैं, पूरा प्लांट भी ला करके आप लगा सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। और बिल्कुल फ्री में मिलने वाले ये प्लांट्स हैं जो आपको अपने गार्डन में ही फ्री में मिल जाएंगे या रोड साइड भी आपको आसानी से फ्री में मिल जाएंगे। चांदनी, मिनी चांदनी तो आपको नर्सरी से परचेस करना होगा, लेकिन जो बड़ी वाली चांदनी का पौधा होता है वो भी आपको रोड साइड किनारे पर लगा हुआ अगर कहीं दिख जाए तो आप उसकी कटिंग ला करके लगाइए, वो पौधा भी आपको फ्री में मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से उस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। कम पानी में भी ये पौधा सर्वाइव कर जाता है, अगर एक दो दिन पानी डालना ना डाल पाए, भूल जाए तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है पत्थर चट्टा का पौधा या स्टोन प्लांट, इंग्लिश में इसे स्टोन प्लांट कहते हैं।
ये भी बहुत कम पानी में चलने वाला प्लांट है, सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो देसी सक्यूलेंट कह सकते हैं आप इसे। तो ये कम पानी में भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है, कम धूप में भी सर्वाइव कर जाता है, ज़्यादा धूप में भी सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट प्लांट है काना लिली का पौधा। इसका भी, इसके भी जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें से नए नए बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं, तो आप उनको ला करके प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी रोड किनारे आपको आसानी से पौधा मिल सकता है, किसी बगीचे में गार्डन में भी मिल सकता है, ला के लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है यहाँ पर टिकोमा। टिकोमा बहुत ही सुंदर पीले कलर के फूल वाला पौधा होता है। ये पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा रोड के किनारे, तो आप इसकी भी कटिंग को ला करके लगा सकते हैं। और कम पानी में चलने वाला ये पौधा है, साल भर में जो एक बारिश होती है उसी बारिश से ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, साल भर फूल देता है। नेक्स्ट प्लांट है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा भी आपको रोड के किनारे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा, और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन आपको रोड किनारे फ्री में अगर पौधे चाहिए तो वहाँ से भी आप इसकी कटिंग ला करके लगाइए, और किसी बच्चे से भी अगर आप इसकी कटिंग लगवा देंगे तो भी ये कटिंग आसानी से जम जाएगी। और ये पौधा इतना ढीठ पौधा होता है कि अगर आपने एक बार इसकी कटिंग लगा दी और आपने इसको पूरी तरह कट भी कर दिया तो ये नीचे से उतना ही डबल फुटाव ले लेता है और उसकी डबल ब्रांचेस। एक ब्रांच अगर आपने काटी तो उसकी आपको चार गुना चार ब्रांच ज़रूर मिलेगी। तो इसको प्रोपगेट करना और इसको सर्वाइव करवाना बहुत आसान है, कम पानी में चलने वाला पौधा है, कभी भूल भी जाए पानी डालना तो भी ये आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। देखिए कितनी सारी वैरायटी के कनेर हैं, पीले, गुलाबी, लाल, बहुत सारे कलर्स और वेरिएशंस हैं कनेर में, आपको इसी भी ला के लगा सकते हैं, और कम पानी में चलने वाले ये पौधे हैं। नेक्स्ट प्लांट है अगावे। अगावे को भी आप लगाइए, कम पानी में चलने वाला पौधा है, लेकिन आप इस पौधे को बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, इसमें जो पत्तों की डिप्स पर जो कांटे होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो ये प्लांट आप ऐसी जगह लगाइए अगर आपको जानवरों को रोकना है, कहीं जानवर आपके फसल खा रहे हैं या कोई अदर ऐसी बाउंड्री पर आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों की पहुँच से ये पौधा दूर रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन या और कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके सवाल के जवाब दे सकती हूँ। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, वहीं पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सिंसियर टॉपिक पर बात करनी है तो वहाँ पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। यहाँ पर वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे पाऊँगी। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।